परेड का तो प्रत्यक्ष दर्शन होगा, लेकिन आज के इस समारोह में हम सभी देशवासियों के लिए भी अपनी सहभागिता का एक आंतरिक आयाम उपलब्ध है। वह है हमारे शुभ भावों के प्रसारण, प्रार्थना के प्रस्फुरण का। तो आइए इन क्षणों में हम मां भारती के समक्ष अभ्यर्थना करें कि हमारा जीवन संकीर्णता और स्वार्थ के साथ और प्यारा तिरंगा लहरा चुका है। तिरंगा देश का झंडा, तिरंगा शान भारत की, तिरंगा चांद से ऊंचा यही पहचान भारत की। ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नव निर्मित श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम की भव्यातिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्रीराम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्यप्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चले गए, श्रीराम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्रीरामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयांजन के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहां प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के